नमस्ते 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 बेटा नमस्ते नमस्ते बैठो भैया प्रणाम प्रणाम हो गई सारी तैयार इसी घर में रहती हो फिर भी मेहमानों की तरह सवार कर रही हो कामिनी कामिनी जानकी कहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हो जो इतनी देर लग गई आने में तुझे तो मेरी आदत पता है ना अपने रौनक के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन तोहफा ढूंढ रही थी इसलिए वक्त लग गया वो तो मेरी मुनमुन ने पसंद किया ये तोहफा जिसने उपहार पसंद किया क्या उसे हमारे घर आना पसंद है पूछ मत दिमाग खराब है उस लड़की का सुबह उठती है पहले योगा करती है फिर पढ़ाई करती है और जब ये रूटीन पूरा हो जाता है तब रिश्ते याद आते हैं उसे वैसे उसने ना सॉरी बोला है और कहा है रात को पार्टी में जरूर आएगी एक है तुम्हारी मुनमुन और एक है हमारा रौनक अच्छी मिसाल है परवरिश की ये लो नाम लिया और बर्थडे बॉय आ गया माँ जीते रहो बेटा ये देखो कामिनी आंटी आई है वो भी तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लेके लाई आंटी मुझे दे दीजिए और शाम संभाल के स्पेशल तोहफा है हैप्पी बर्थडे रौनक बेटा थैंक यू आंटी भगवान करे मेरी स्मार्टनेस और मेरा चार्म कूट कूट के तुझ में बढ़ जाए चलो बेटा पूजा का समय हो गया पूजा के लिए बैठना है एक मिनट माँ मैं अभी आया मुंशी काका आशीर्वाद दीजिए अरे नहीं बस 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 चुप चुप जी रौनक बाबा भगवान करे आप हमेशा यूं ही हंसते खेलते रहे ये लो फिर रौनक एक नौकर के पैर क्यों छू रहा है मुंशी जी का हाथ पकड़कर बड़ा हुआ है रौनक बचपन से पाला है मुंशी जी ने उसे और फिर मुंशी जी आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं फिर भी नौकर को ऐसे काका बुलाना मतलब मुंह बोले रिश्ते सिर्फ मुंह से बोलने के लिए होते हैं कामिनी निभाने के लिए नहीं रौनक भले ही उनके सामने पैर पड़ने के लिए झुकता होगा पर मुंशी जी अपनी औकात अच्छी तरह से जानते हैं पर मुंशी जी की जुबान और नजरें हमारे सामने हमेशा झुकी है और झुकी ही रहेगी जैसे पीतल रंग से पीला जरूर होता है पर सोना कभी नहीं हो सकता वैसे ही बेटा बोलने से तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते अक्षय कुछ बोलो भी कौन सी सोच खाए पड़ी है कुछ नहीं माँ पूजा शुरू होने वाली है बस जा ही रहा पर देख रौनक के साथ ही रहना उसका ध्यान रखना और उसे कुछ चाहिए तो सब बंदोबस्त कर देना कितने लोग आएंगे वहाँ क्यों काकी आप नहीं आएंगी क्या जीते रहो बेटा हम क्या करेंगे वहाँ आकर बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना है कि तुम सदा खुश रहो और तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे दोस्ती तो बनी रहेगी काकी पर ये दोस्त का मूड क्यों खराब है पता नहीं सवेरे से मुंह तिरछा करके बैठा है कुछ बताता ही नहीं तुम ही पूछो अक्षय चलना पूजा शुरू होने वाली है वहीं पे बात करते हैं चल नमस्ते काके नमस्ते अक्षय मेरे बर्थडे पे इतना अपसेट मतलब एक ही रीजन हो सकता है माँ से डांट पड़ी है ना हाँ तो तेरे साथ रहो तो प्रॉब्लम है ना रहो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली तू माँ का नेचर तो जानता ही है हाँ जुबान से थोड़ी बहुत सख्त है लेकिन तुम्हें भी फैमिली कंसिडर करती है बेटा बोलती नहीं मानती भी रियली ये तूने मुझे नई न्यूज़ सुनाई है आज कभी कुछ प्यार से बोलते तो थोड़ी बहुत डांट भी खाया कर हलवा है क्या मेरी भी फीलिंग्स हैं मुझे भी दर्द होता है बुरा लगता है तो वैसे भी सोच रहा हूँ कि उनको कोई ऐसी खबर सुना दूँ जिसको सुनने के बाद मैं आउट ऑफ से सीधा पगले में ओए ये चीप रिपोर्टर्स के ब्रेकिंग न्यूज सेगमेंट जैसे फालतू डायलॉग मारना बंद कर और ये बता कौन सी खबर सुनाना चाहता है तू वो देख तेरी खूबसूरत खबर
काजल को देख के तेरे दिल में कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होने लगता है। ये बात अगर आंटी को पता चल गई तो तुझे पता है क्या होगा? ए मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए अपनी ये बकवास बंद कर। वैसे मैं सोच रहा हूँ आंटी को तो बाद में पता चलेगा, पहले काजल को तो पता चले। उसको देखकर तो तू म्यूट हो जाता है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। भाई दिल की बात बतानी पड़ती है, आकाशवाणी नहीं होगी। लेकिन यार ऐसे कैसे, वो जूनियर है मेरी, मेरे तो साथ पढ़ती है ना, और मैं तो बात भी करता हूँ। क्यों ना मैं उसको जाके बता दूँ कि उसको देखकर तेरा दिल कैसे 20-20 खेलने लगता है। वाह वेरी गुड, पहले माँ को बताने की धमकी, अब इसे बताने की धमकी। तू चाहता क्या है? तेरे दिल की आवाज काजल तक पहुंचाना चाहता हूँ। सिंपल। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। A friend in need is a friend indeed, my friend. पहले जमाने में लोग कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजते थे। मैं तेरा वही फीलिंग वाला कबूतर हूँ जो तेरी फीलिंग काजल तक पहुंचा। अक्षय जा, जा। अक्षय अक्षय तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अक्षय मेरी बात सुन। अरे कम बैक। क्यों क्या बात है, आजकल दिन में भी चांद निकलने लगा है। excuse me, तुम क्यों ब्लश कर रही हो? मैं टकले अंकल को बोल रहा हूँ। शट अप अक्षय, किसी का मजाक नहीं उड़ाते ऐसे। वैसे जैसे तुम बुढ़े हो गए ना, तब तुम भी ऐसे ही दिखोगे, समझे? I know, लेकिन अगर ऐसे बुढ़ापे में तुम्हारे जैसे किसी का साथ हो तो फिर कितना मजा आएगा। I'm serious, काजल। जस्ट इमेजिन, वो लड़का कितना लकी होगा जो अपना बुढ़ापा तुम्हारे साथ बिताएगा। पागल हो गए हो तुम? क्यों रौनक, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बता ना। ये फासले क्यों मुझे जीने न दे, दूरियां बस दूरियां और हम मुझको मिले। हाय काजल। हाय, अब हैप्पी बर्थडे रौनक सर। थैंक यू। व्हाट, हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बर्थडे तो विश किया है। अक्षय वो कबूतर वाला जो व्हाट कब, एनीवे सर वो मुझे कुछ काम है तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके। तू क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? रौनक सर शर्म नहीं आती, वो सर सर बोल रही है, बेचारी बच्ची पे डोरे डाल रहे हो, तड़िंदे इंसान। बस बहुत बोल दिया, अब चल यहाँ से, चल। प्रिंसिपल मैम आप आई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुंशी जी, जी इन्हें बिठाइए। थैंक यू। एक मिनट जानकी, मुझे एक बात बता, तूने आज पूजा में एक भी रिश्तेदार नहीं बुलाया, कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट से बुलाए हैं बस, क्यों? रिश्तेदार सिर्फ छोटे आशीर्वाद और सस्ते गिफ्ट्स लेकर आते हैं कामिनी, पेट भर कर खाना खाएंगे और फिर पनीर और पुलाव की बुराई करेंगे। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे, तेरे हर शब्द के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और इतने बड़े फैसले के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अच्छा अब बता, क्यों बुलाया इन सबको यहाँ? इसीलिए बुलाया ताकि काजल को अपने दिल की बात बता सकूं। तो बताता क्यों नहीं है भाई? आंटी से डर लगता है कि तेरे प्यार व्यार की बात सुन के तेरी बैंड ना बजा दे। तू पागल है क्या? माँ के लिए मेरी खुशी सब कुछ, एक बार मैं माँ से कह दूं कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो वो झट से हाँ कह देगी। और काजल 2 साल से बस फील्डिंग कर रहा है, कभी तो अपनी फीलिंग्स के फुग्गे फोड़ उसके सामने मेरे भाई। यार यही तो मैं हार जाता हूँ, मैं हिम्मत ही नहीं हो पाती मुझसे। तो आज हिम्मत कर, अपने बर्थडे को हैप्पी बर्थडे बना दे, बता दे काजल को। क्या बताना अक्षय?
मुझे नहीं, रौनक को बताना है। बताना भाई। नहीं मुझे कुछ नहीं बताना, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि तुम अंदर आ रही हो ना? हाँ सब, वो बस बाकी की मिठाइयाँ अंदर रखवा कर मैं आती हूँ। तो हम अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही तो कर रही थी इस दिन का, क्योंकि आज मुझे रौनक की उस जिंदगी में झांकना है जहाँ की सिर्फ खबरें सुनी, लोगों के नाम सुने हैं पर चेहरे नहीं देखे। मतलब रौनक की जिंदगी का हर पल मेरे नजरों के सामने से होकर गुजरता है कामिनी, पर वो कॉलेज में क्या करता है, किसे मिलता है, मुझे ज्यादा नहीं मालूम। तो तू इन सबको यहाँ बुलाकर क्या पता करना चाहती है? देखना चाहती हूँ कहीं कॉलेज की किताबें पढ़ते पढ़ते रौनक ने प्रेम की किताब तो नहीं पढ़ ली, जिसकी जिंदगी की कोरी किताब का हर पन्ना मैंने अपनी मर्जी अपने संस्कारों से लिखा है, कहीं किसी ने उन पन्नों पर अपने प्रेम की बातें तो नहीं लिख दी। और ऐसा हुआ तो यही वक्त है कि उन पन्नों को फाड़ के मैं कूड़ेदान में फेंक दूं। ये पार्टी यही पता करने के लिए तो रखी है मैंने कामिनी। माँ को पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। काजल हर तरह से परफेक्ट है, जितना प्यार माँ ने मुझे दिया है आई एम श्योर काजल भी मेरी लाइफ में उतनी ही खुशियां लेकर आएगी। रौनक की हर खुशी सिर्फ मुझसे जुड़ी है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा अगर कोई लड़की उस पर हक जताएगी। इसीलिए आज अगर कोई भी लड़की उस पे ज्यादा चिपकने या बात करने की कोशिश करे तो ये बात तो मुझे बताना। मैं? अरे इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद के लिए पूछ लेती। नहीं पूछ सकती कामिनी, अगर मैंने रौनक को पूछा और उसने झूठ बोल दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा लगेगा कि प्यार के आगे वो अपनी परवरिश भूल गया। इसीलिए आज किसी भी हाल में हमें ये सच पता करना ही होगा। You are so right. मुझे आज हर हाल में काजल को सच बताना ही होगा। Exactly. वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ। तो एक काम कर, अभी जाके सब बता दे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।